नमस्कार जिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्राचीन काल से जुड़े हुए जितने भी नोट और सिक्के हैं और आपके अभी तक नोट और सिक्के नहीं बिके हैं, तो दोस्तों मैं आपकी नोट और सिक्के खरीदूंगा। पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं, उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार घर बैठे नोट और सिक्के बेचने और किस प्रकार उनके बदले आपको लाखों रुपए कमाने। साथ ही दोस्तों ऐसे कौन से नोट और सिक्के हैं जिनके बदले आपको इतनी सारी कीमत मिलेगी, और साथ ही दोस्तों नोट और सिक्कों की डिमांड भी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से और स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, और पूरी जानकारी जानने के बाद मैं 100% रियल बोल रहा हूं कि आपके सारे नोट और सिक्के बिकने शुरू हो जाएंगे और सारे नोट और सिक्के मैं खुद आपसे खरीदूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप माहेश्वरी और मैं हूं पुराने नोट और सिक्कों का बायर। मैं पिछले 7 सालों से पुराने नोट और सिक्कों को खरीदता हूं और सारे नोट और सिक्के यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही खरीदता हूं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस प्रकार के कुछ नए सिक्के और नोट है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से खरीदूंगा और ऐसे नोट और सिक्के मुझे चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार के नोट और सिक्के हैं, तो इन नोट और सिक्कों के बदले मैं आपको लाखों रुपए कीमत दूंगा, और साथ ही दोस्तों इन नोट और सिक्कों को आपको बेचने के लिए कहीं पर भी जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ। उन नंबरों पर आपको घर बैठे सिर्फ कॉन्टेक्ट करना होगा, और डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं आपको आपसे हाथों हाथ बात करके आपके घर आकर नोट और सिक्के खरीदूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें नोट और सिक्कों को बेचने और इनके बदले कीमत जो मिलेगी आपको, वो कीमत आपको कितनी मिलेगी और कौन से सिक्के की कितनी कीमत है, क्योंकि दोस्तों ये तो आपको भी पता है कि हर सिक्का एक कीमत में नहीं बिकता है। कुछ सिक्कों की अलग कीमत होती है और कुछ सिक्कों की अलग कीमत होती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे सिक्के होते हैं जो एंटिक और रेयर होते हैं। तो दोस्तों उन सिक्कों की 7 लाख से 8 लाख रुपए तक भी कीमत आपको मिल जाती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको अलग अलग सिक्कों के बारे में बताऊंगा, और आप इस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके सारे नोट और सिक्के बिकने शुरू हो जाएंगे और सारे नोट और सिक्के आप घर बैठे आसानी से बेच पाओगे। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद ही आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर आप पहले मुझे कॉन्टेक्ट करोगे या फिर आपको नंबर मिल जाए और आप मुझे कॉन्टेक्ट करोगे, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी कि किस प्रकार नोट और सिक्के बेचे और कौन से सिक्के की कितनी कीमत मिलेगी। सारी जानकारी जानने के लिए पहले तो आपको वीडियो देखना होगा, और उसके बाद ही आपको कॉन्टेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में कहीं पर भी मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता हूँ, जिन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर पाओगे। वैसे दोस्तों आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो भी देखते होंगे जहां पर आपको पुराने नोट और सिक्के बेचने के अलग अलग तरीके मिलते हैं, जहां पर आपको नोट और सिक्के बेचने के बदले चार्ज भी मांगते हैं। तो चार्ज वही लोग मांगते हैं जो सिर्फ आपको फ्रॉड बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ पुराने नोट और सिक्कों को बेचने का और खरीदने का मकसद रखता हूं, और मैं आपसे जो नोट और सिक्के खरीदूंगा वो आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, डायरेक्ट नोट और सिक्के लूंगा और उनके बदले आपको कीमत भी आपके घर बैठे दूंगा। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं आपका कम समय लेते हुए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लाल ऑप्शन में सब्सक्राइब लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको सिंपल सा क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए या फिर आप रियल में अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं, तो यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप वीडियो को लाइक करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपके पास पुराने नोट और सिक्के, और इसके अलावा दोस्तों कंपनी को बताने के लिए आपके पास कौन कौन से नोट और सिक्के हैं और आपको नोट और सिक्कों के बदले सोना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कंपनी को बताने के लिए दोस्तों वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपके पास कितने नोट और सिक्के हैं, और साथ ही जो नोट और सिक्के आपके पास पड़े हैं वो कितनी संख्या में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों जैसे ही आप कमेंट करोगे तो कंपनी का मैनेजर या कंपनी का मालिक खुद आपको रिप्लाई देकर बताएगा कि आपको कब नोट और सिक्के बिकेंगे और उनके बदले आपको किस टाइप की गाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो सिक्के हैं उन सिक्कों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ऐसे सिक्कों में क्या खास बातें हैं जिसके माध्यम से आपको गाड़ी और 80 लाख रुपए और साथ ही आपको इतना सारा सोना मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि उन सिक्कों में क्या खास बातें। तो पहला सिक्का यहाँ पर माता वैष्णो देवी के सिक्के आपको नजर आ रहे। वैसे तो बात करें कि यहाँ पर 5 रुपए और 10 रुपए 25 रुपए के 3 ही सिक्के माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको गाड़ी लेने के लिए उन 3 सिक्कों में से आपके पास एक जैसे 4 या 5 सिक्के होने जरूरी है। जैसे कि आपके पास 10 रुपए के सिक्के हैं तो आपके पास 10 रुपए के माता वैष्णो देवी के 4 से 5 सिक्के होने जरूरी है, और ऐसे आपके पास 25 और 5 रुपए के सिक्के भी होने चाहिए। चाहे आपके पास 5 रुपए या 25 रुपए का सिक्का है तो भी आप गाड़ी जी सकते हैं, यानी कि आपको 5 सिक्कों के बदले एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी। अगर आपके पास 6 या 7 सिक्के, जैसे कि 7 सिक्के हैं तो दोस्तों 1 सिक्के के बदले यहाँ पर आपको कीमत मिलेगी, वो कीमत आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए दिया जाएगा 1 सिक्के के बदले। तो ऐसे सिक्के आपके पास पाए
बनाए जाते हैं, तो इन सिक्कों को बेचने के लिए और इन सिक्कों के बदले गाड़ी जीतने के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि कमेंट में अपना पर्सनल एड्रेस नहीं देना है। आप पर्सनल एड्रेस देते हो तो फालतू के लोग आपको परेशान करते हैं, इसलिए दोस्तों आप अपना पर्सनल एड्रेस कमेंट बॉक्स में नहीं देना है। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप पुराने नोटों और सिक्कों के बारे में बताना है, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर किस प्रकार देना है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि इसमें खास बातें क्या है। तो जैसे आपको 10 रुपए माता वैष्णो देवी का सिक्का नजर आ रहा है, तो दोस्तों ये जो 10 रुपए माता वैष्णो देवी का सिक्का, तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अशोक स्तंभ का फोटो और यहाँ पर 10 रुपए लिखा हुआ है, और साथ ही जो माता वैष्णो देवी का फोटो है और इसके ऊपर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी लिखा हुआ है, और छोटा सा एक मिंट मार्क लगा हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि एक छोटा सा बिंदु नजर आ रहा है, ये बिंदु मुंबई मिंट का है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 रुपए के सिक्के के और साथ ही दोस्तों 25 रुपए के सिक्के के भी आपको यहाँ पर बिंदु नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 रुपए और 5 रुपए और 25 रुपए के सिक्कों में आपको एक स्पष्ट रूप से फर्क नजर आ रहा है, यानी कि क्या फर्क है इन तीनों सिक्कों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप गोल्डन कलर में और साथ ही व्हाइट कलर, दोनों कलर 10 रुपए के सिक्के के ऊपर होते हैं, और साथ ही दोस्तों जो 25 रुपए का सिक्का होता है उसके ऊपर वही फोटो होता है, वही डिजाइन होती है, सेम सिक्का होता है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट कलर में उसका कलर है जो व्हाइट होता है, और साथ ही जो 5 रुपए का सिक्का है वही डिजाइन में सेम है, जो लिखे हुए भी वही सेम है, लेकिन यहाँ पर मिंट मार्क जो बिंदु लगा हुआ है वो भी मुंबई का है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्का है वो गोल्डन कलर में होना चाहिए। तो ऐसे सिक्के आपके पास है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इन सिक्कों के बदले आपको मिलेगी गाड़ी, और साथ ही दोस्तों आपके पास या 7 सिक्के तो गाड़ी के साथ साथ आप 8 लाख रुपए तक भी जीत सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा 50 पैसे का आपको इंदिरा गांधी वाला सिक्का आपके पास है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंदिरा गांधी वाला सिक्का, इस सिक्के के ऊपर इंदिरा गांधी का फोटो है और साथ ही इंदिरा गांधी नाम भी लिखा हुआ है, और इसके नीचे जो ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर भी आपको नजर आ रहा है 1977 से 1984 यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर जो पहले माता वैष्णो देवी के सिक्के के ऊपर बिंदु बताया था उसी प्रकार का इंदिरा गांधी के सिक्के के ऊपर भी बिंदु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बिंदु भी है, ये भी मुंबई मिंट का बना हुआ सिक्का है, और साथ ही इस टाइप का 50 पैसे का ये सिक्का है। तो अगर ऐसा सिक्का आपके पास पाया जाता है, यानी कि ऐसे क्रांतिकारी वाले सिक्के, इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के फोटो वाला सिक्का हो, या फिर आपके पास सुभाष चंद्र बोस के सिक्के वाला फोटो वाला सिक्का हो, साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी वाले सिक्के होते हैं वही सिक्के अगर आपके पास पाए जाते हैं तो उन सिक्कों के बदले यहाँ पर आपको 3 किलो से 4 किलो तक सोना भी मिल सकता है। दोस्तों अब आपको पता ही है कि 10 ग्राम सोने का भाव भी यहाँ पर 60,000 रुपए तक चलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 4 किलो सोना भी मिल रहा है। तो ऐसे सिक्के बहुत सारे जो कीमती सिक्के हैं जिसकी डिमांड अभी जबरदस्त चल रही है, अगर आपके पास ऐसे सिक्के पाए जाते हैं तो आप ये सिक्के बेचकर आप 1 महीने के अंदर अंदर इतनी सारी वस्तु और इतनी कीमती चीजें भी ले सकते हैं। तो दोस्तों 1 महीने तक इसका जबरदस्त डिमांड चलेगी, उसके बाद पता नहीं आगे बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है, घटने का तो चांस है लेकिन बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और जो इस वीडियो में कांटेक्ट नंबर दूंगा उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कांटेक्ट करके आप अपने इस नोट और सिक्कों को बेच दीजिएगा, ताकि आप अपने नोट और सिक्के बेचकर घर बैठे अपना छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन हटने के बाद यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति में कमजोरी भी ना हो, इसलिए दोस्तों आप लॉकडाउन भी घर बैठे अपने सिक्के बेच सकते हैं और बेचकर इतनी सारी जो कीमती वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने नोट और सिक्के रियल में बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको आगे एक ऑनलाइन प्रोसेस दे रहा हूं जो कंपनी खुद ने मुझे भेजी, और दोस्तों यहां पर मैं कंपनी में मैं खुद काम करता हूं। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाकर YouTube पर डालता हूं ताकि लोग अपने नोट और सिक्के बेचकर यहां से गाड़ियां खरीद सके, गाड़ियां जीत सके। तो दोस्तों ये ऑफर सिर्फ 1 महीने तक है, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं आप जल्दी से अपने नोट और सिक्के बेच दीजिए। आपके पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए और बदले में आपके बैंक खाते में पैसे लेने के लिए सबसे पहले आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये इस वीडियो का टाइटल है, और इस टाइटल के आगे जो छोटा सा एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, यहां पर आप एक लिंक देख सकते हैं सबमिट योर नंबर, आपको सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल टू सी मोर, आपको यहां पर क्लिक करके एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में ओपन हो जाएगी, आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, यहीं पर आपको नंबर देने हैं और यहीं पर आपको अपने नोट और सिक्कों की फोटो भेजनी है, इसीलिए आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इसके बाद में इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये एप्लीकेशन खोल लेनी है, खोलने के बाद में आपके सामने इस एप्लीकेशन का इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पर एक वीडियो चलेगी, आपको इस वीडियो को काट
काट देना है, आपको यहाँ पर मैसेज आएगा आपको 50 रुपए मिले हैं, नीचे ओके का जो निशान है आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको जारी रखें पर क्लिक कर देना है। जारी रखें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपने फोन नंबर डाल देने हैं जो आपके फोन में है। अगर आप पहले भी ये प्रोसेस कर चुके हैं तो नए नंबर से कीजिए, क्योंकि पिछली बार हमें नंबर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसके नंबर होते हैं जो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पर फोन के साथ लॉग इन करें पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पर अपने फोन नंबर डालेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार से एक मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी डालना होगा जो 4 अंक का होगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर यहाँ पर जो आगे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पर आगे मतलब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, इतना करते ही आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर है जो हमारे पास आ जाएंगे और हो सकता है जहाँ तक आप अपना एक छोटा सा यहाँ पर नोट और सिक्कों का जो वीडियो होता है वो आप बनाकर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही थी प्रोसेस, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी आपके नोट और सिक्के बिक पाएंगे।